समुद्र के ऊपर पुल बना के लंका पहुंच गए। और परमात्मा कहते हैं अगस्त ऋषि की भी आपने लीला सुनी होगी कि अगस्त ऋषि के पास एक सिद्धि थी, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। तो एक सिद्धि प्राप्त की अगस्त ऋषि ने पूरे जीवन में डले डोके, और उसमें किसी बात पर एक दिन सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, सब खाली होगी। फिर प्रार्थना करने पर देवता आ गए, ऋषि आ गए, सारे इकट्ठे हो गए और फिर कुरला कर दिया, सातों मर गए। अब परमात्मा कहते हैं तुम तो श्री रामचंद्र जी को इसी आधार से भगवान मान रहे हो कि उसने पुल बना दिया, समुद्र के ऊपर गर्स्ता ले लिया, और अगस्त ऋषि ने ये सारे पी लिए, इनमें कौन सा भगवान। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। आपकी कथाएं हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी तथा पूरी सेना लंका में जब युद्ध कर रहे थे तो एक नागफास एक शस्त्र छोड़ दिया, उसमें सिद्धियों से लड़ाई होती थी, एक वचन से किसी के पास वो नागफास एक मंत्र था, यंत्र था, उसने मंत्र बोल दिया, उससे इतने नाग उत्पन्न हो गए कि सभी सेनाओं को, प्रत्येक सैनिक को यानी वहाँ उप लड़ने वाले विरोधी सेना को, श्री राम वाली सेना को सर्पों ने बस कर दिया, ऐसे खड़े से सबको लपेट लिया, उनको ऐसा जकड़ दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, हाथ और पैर कती सबको जैसे ईंख बांध दिया करें, नो खड़े कर दिया, और श्री रामचंद्र जी भी बांध दिया, लक्ष्मण भी बांध दिया, हनुमान जैसे भी सारे लोग जकड़ दिए, अंगद के से भी बांध के खड़े कर दिए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया, गरुड़ पक्षी आया और उसने उन नागों को काट दिया, खा लिया, यानी उनके उनको काट दिया, मार दिया। तब सारी सेना इंक्लूडिंग श्री रामचंद्र जी वो बंधन रहित हुए। कबीर परमात्मा कहता है अरे बोड़े धर्मदास जी, अब न्यू बता, यो तुम्हारा रामचंद्र जी समर्थ होया या गरुड़ जी समर्थ होया। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो द्रोण गिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा इनम कौन भगवंते। आप जी की लोक वेद है, आप ही की दंत कथाएं हैं कि शेष नाग के सिर पर सारी सृष्टि यानी पृथ्वी भी सब पूरा ब्रह्मांड रखा है, सारे पाताल पुतुल सब लोक रखे हैं। आप कहते हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, ऊपर सिर पे रख रखा है, और तुम कहते हो एक गोवर्धन उठाने मात्र से श्री कृष्ण भगवान की संज्ञा में आ गए, तो हनुमान जी ने कौन सी कसर छोड़ी, द्रोणागिरी पर पहाड़ को उठा लाए थे और फिर शेष नाग सारी पृथ्वी ने भी ठहरा, तो इनमें भगवान कौन सा। केवल ये लक्षण नहीं भगवान के, अपनात्मा परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए प्रभु, उसमें एक विद्याधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका थी, वो आ रहे थे कहीं से, ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था, निसंतान थे, विवाह को कई वर्ष हो चुके थे। परमात्मा ऐसे ही एक कमल के फूल पर एक सरोवर में शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। अब परमात्मा को वो निसंतान दंपत्ति अपने घर ले आया, खूब पालन किया, कुछ दिन ऐसा बीते कि उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, चिंतित हुए
फिर आकाश परमात्मा ने आकाशवाणी की, एक कुंवारी गाय लाओ, बछिया लाओ और उस पे वो दूध दिया करेगी। इसी तरह स्टार्ट हुआ, उनकी परवरिश हुई। परमात्मा 5 वर्ष के ही हुए थे, इन मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन ये इतने ढीठ थे, भगवान के ज्ञान को समझा नहीं, सुना नहीं। और परमात्मा कहा करते थे कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ। जो इन्होंने भगवान की परिभाषा सुन रखी थी, सुना रखी थी, उसके सच्चाई उसके विपरीत है। तो मनु जैसे ऋषि ने परमात्मा के साथ व्यंग करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया और अपना मान के भूखे ने कह दिया कि ये वामदेव है। वैसे परमात्मा का नाम सत्सुकृत था। वाम का अर्थ होता है उल्टा, एक तो राइट हैंड, इसको सीधा हाथ कहते हैं, और एक यो लेफ्ट हैंड, इसको जो है उल्टा हाथ कहते हैं। ऐसे ही वाम माने उल्टा, वामा। तो परमात्मा को वो मनु जी और साथ में अन्य ऋषि कहने लगे यो तो वामदेव है। वामदेव मीन उल्टी बात कहे सारी, परमात्मा को साकार बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई प्रभु बताता है, ये ज्ञानहीन है। और दूसरी परमात्मा कहा करते मैं सबसे ऊपर सतलोक में भी मैं ही हूँ और यहाँ आपके सामने भी मैं हूँ। वाम का अर्थ दो स्थान पर रहने वाला, दो का भी बोधक है। इस प्रकार भगवान के ज्ञान को ना समझकर, परमात्मा को ना पहचान कर, उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने, इन सतयुग के ऋषियों ने वेदों को भी नहीं समझा। भगवान समझाना चाहते थे लेकिन परमात्मा के ज्ञान को सुना नहीं, और उस काल प्रेरणा से उस अज्ञान को अभी तक हमारे तक पहुंचाते रहे, हमें उस अज्ञान से ही परिपूर्ण रखा। अपुण आत्माओं, अब थोड़ा सा आपको और प्रकरण दिखाते हैं कि सत्य सुकृत नाम से परमात्मा आए और वो सतयुग के जो ब्राह्मण ऋषि थे वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, और परमात्मा कहा करते थे भगवान साकार है और मैं खुद मालिक आया हूँ। ये 5-6 वर्ष के बालक फिर बड़े भी हुए, लाखों वर्ष रहे परमात्मा सतयुग में, तो लेकिन नहीं माने। जिस प्रकार अब 120 वर्ष रहे इस कलयुग में, किसी ने मालिक को मालिक नहीं माना, लेकिन अब मानांगे, क्योंकि जो लीला भगवान किया करता है वो वेदों और पुराणों में लिखी हुई है, गीता जी में विद्यमान है, और जो लीला किया करता है भगवान वो लीला पहले कर चुके हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद ज्ञानहीन थे, उनको कह कह का भी नहीं पता था वेदों का। फिर द्वापर त्रेता और कलयुग का कहना है कि फिर सतयुग के ब्राह्मणों से ही आगे ज्ञान सुन सुन के अभी तक प्रचलित है। आप जी को झलक दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण किसे विद्वान थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 414 पर आपको दिखाते हैं, छठा स्कंद पृष्ठ 414। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में
शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानिया ने ही ये मंदिरा के लठ कटवा रखे हैं। सतयुगते प्रयत्नशील हैं ये डड़े डुआण के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, और देखिए कलयुग के ब्राह्मण का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणा की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। जय हो बंदी छोड़। अब ये दास नहीं कह रहा कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण, ये तो अपना पुराण बता रही हैं जो कि शिरोधार्य हैं। अब यहाँ आपने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं ये तो सतयुग त्रेता और द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे उन जैसे कर्म वाले हैं, और यहाँ दूसरा ये कह रहे हैं कि राजन व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि सतयुग के ब्राह्मण को ऋषि कहो। कहते हैं ये बड़े वेद के विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते, ये खाक विद्वान थे, दुर्गा की पूजा का किसी वेद में प्रावधान नहीं है, इनका विवरण अवश्य है लेकिन पूजा का नहीं। वो तो स्पष्ट लिखा कि परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ वही पूज्य है, उस एकमात्र परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। और दुर्गा स्वयं कहती है, शक्ति दुर्गा स्वयं कहती है, ये देखिएगा सातवां स्कंद, ये सातवां स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब पहले तो अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर लेकिन इसते मोक्ष माक्ष कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यह ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है, वह सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है, कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओह स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह यह सबका